रोड अब खाली हो जाएगी जब, तो कहना बेटा तू जाए चली जाएगी, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं यार, मैं क्रॉस करूंगा रोड। रोड क्रॉस क्यों करनी है उसको? चल आ जा, आ जा, आ जा। ए ये चलते चलते खा रही है ये, देखो इसको मांस नहीं है बस की कोई चीज नहीं मिली। रात 1-1 बजे तक ब्लॉग में और उसमें लगी रहती है ना। हाँ ऐसे ही चली जा आंख बंद करके। चल लेट्स गो। मेरा बहन के लिए जा रही है मास्क। बाय। क्या यार खाते खाते भाग भाग के जा रही हो यार। चलो भागो भागो भागो, मैंने चक्की से थैला भी लाना है। स्कूल चलेगा? दीदी तो जा रही है, देख दीदी जा रही है, चलता है? हैं नहीं यार अभी नहीं, अभी 6 महीने और हैं तेरे स्कूल जाने के, 6 महीने और हैं। ठीक है 6 महीने बाद तेरा एडमिशन करा दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ, अभी तू ना ये बाग बगीचा देख, फिर तो भरती हो जाएगा। फ्लावर्स पे पानी वानी डालना, ठीक है? हाँ बोल दे गाइज मेरा गार्डन है, देखो मेरा गार्डन, ऐसे बोलो देखो मेरा गार्डन, देखो मेरा गार्डन। मेरा पेपर भी शुरू है। थोड़ा सा बता दे गाइज को पेपर है। सो गाइज आज है मेरा दूसरा पेपर, उसका संस्कृत का। मुझे संस्कृत बहुत बेकार लगती है, जिसको अच्छी लगती है तो मुझे पढ़ा देना जरा। संस्कृत आपकी बेटा अभी अभी ऐड हुई है क्या? ना ना ये दूसरा साल है। हमारा पेपर हो गया, चलो चलो। सो गाइज आज मैंने अपना कमरा वापस से ठीक किया, क्योंकि ऐसा कमरा है जो बार बार घर खराब जाता है। और आज मैंने एक नई चीज़ और की कि मैंने अपनी ड्राइंग्स को वॉल में मतलब 2 और नई ड्राइंग्स बनाई है, और एक कील भी ठोक रखी है जिससे मेरे हाथ में लग गई। ये रही 2 नई ड्राइंग्स। एक तो ये मामा की ड्राइंग थी, उसके बगल में मैंने लगा दिया मोरपंख। फिर आई हमारी ये राधा कृष्ण की ड्राइंग जो बनाई थी मैंने जन्माष्टमी में। उसके बाद आ गई हमारी ये वाली ड्राइंग जो मैंने परसों नर्सों को ही बनाई थी। और फिर मम्मा की ड्राइंग जो मैंने परसों या कल ही बनाई थी, पता नहीं कब बनाई थी। और उसके ऊपर ये रही जो कील मैंने अभी अभी ठोकी है, उस पर मैं कुछ हैंग करूँगी ना तो अच्छा लगेगा। ऐसा दिख रहा है अभी, और नई नई ड्राइंग्स बनाऊंगी फिर लगाऊंगी। बाकी कुछ ड्राइंग्स मेरी यहाँ पे भी है। मम्मी पापा तो निकल गए? अरे बुआ के यहाँ चले गए, राखी आ रही है ना। अबे और बार बार क्या ड्रामा होता है। सही कह रही है, कह रही है सिंधी को गाँव लेके चलेंगे। वही गर्दन सीधे कर ले, गर्दन दर्द हो जाएगी इतना मत देख। मैं मम्मा से कहूंगा ये दिन भर मोबाइल ही देखते रहती है। अरे मम्मी पापा को घंटा पता नहीं चलेगा तो कैसे? रख दे अब सो जा, क्योंकि हम शाम तक तो वापस आ जाएंगे। किसकी वीडियो देख रहा है? कौन सी वीडियो देख रहा है? रचित रोजा की। अब रख भी दे बेटा, आंखों में दर्द हो जाएगी, ज्यादा मत देख। देखो गाइस सबसे पहले ये करना होता है, आटा ले लेना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, ऐसे सांप की तरह उसे बनाना होता है ऐसे दो हाथों से। और जो इतना लंबा बन जाए उसके बाद उसकी छोटी छोटी ऐसे ऐसे इससे छोटी छोटी से ले लेना है और उन्हें भी गोल गोल कर। भूल बता दे, चल अब क्या करना है, तुझे पता है तो बता। पता है तुझे क्या करना है? बाकी सो ऐसे हमारे बन चुके हैं ये ऐसी, ओई। और ये कुछ भूवी का क्या हाथ में भी है। इन्हें क्या करना है ना, इन्हें खाली थोड़ा वो करना है, हमें हाथों से ऐसे प्रेस करना है, छोटी छोटी ऐसे ऐसे बनानी है, ऐसे ऐसे करके। तू ही बना फटाफट, फटाफट हाथ चलाओ। और भूवी का बेल रही है और मैं हाथ से कर रही हूँ। गुड भूवी, गुड वर्क, आई एम इम्प्रेस्ड। So guys, हमारी बन चुकी है एक लाइन में, ठीक है? अब बस
बहुत ही इजी सा काम करना है, और वो क्या है ना कि इन्हें हमें चिपकाना है ऐसे करके, ऐसे एक के ऊपर ऐसे रखना है फिर प्रेस कर देना है, फिर ऊपर से ऐसे रखना है फिर प्रेस करना है, फिर ऊपर से रखना है फिर प्रेस करना है। इसे यहाँ पर ऊपर से नहीं, मैंने ऐसे साइड से ये थोड़ा सा उसके साथ मिला होना चाहिए फिर प्रेस करना है, गुड ऐसे रखना है फिर इसे प्रेस कर देना है, फिर ऐसे रखना है फिर प्रेस कर देना। अब इसे रोल करना है, रोल कैसे करना है वो मैं दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे करके ये एक उंगली की मदद से ऐसे पूरा रोल कर देना है, और ध्यान रखना है ना कि ऐसे जी जब ही जय श्री राम जब ही इतना बन जाए तो उसके साथ ऐसे करके एक छोटा सा डिजाइन हमें बनाना है, उसके लिए इतना सा पार्ट लेंगे, उसके बाद इससे कंघी की मदद से ऐसे ऐसे कर देंगे ये बस अब इसे कर देंगे रोल, रोलिंग रोलिंग रोलिंग। और ऐसे रोल करने के बाद भूवी देखी से ऐसे ऐसे कर देंगे ये रोल, ये ऐसे करने के बाद हमारा रोज रेडी है, ये इसकी फोटो खींच लेते हैं। थैंक यू वेलकम।